अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। आज हम दम का गोश्त बनाने जा रहे हैं जो बहुत मज़े का होता है, बहुत ही सादा होता है। हैदराबादी स्टाइल का हम दम गोश्त बनाने जा रहे हैं। तो ये मेरे पास 600 ग्राम जो है गोश्त है, ये बहुत बड़े पीस नहीं होने चाहिए। तो आप कोई सा भी गोश्त ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, तरीका ये सेम ही होगा। तो इसमें मैं सबसे पहले, ये 600 ग्राम है तो ऑलमोस्ट मैं इसमें ये 1 टीस्पून, थोड़ा कम ही, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है स्पाइस लेंगे। तो ये मैं 1 टीस्पून ही इसमें भर के जो है ये रेड पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ, और 1 टीस्पून भर के इसमें मैं ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है ये डाल रही हूँ। ये इतनी तीखी नहीं होती, जस्ट रंगत के लिए होती है। और इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ जी। अब इसमें 2 टीस्पून जो है धनिया पाउडर जाएगा। वन टी स्पून इसमें जीरा पाउडर जाएगा। 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल रहे हैं इसमें जी। 3 टेबलस्पून ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये मैंने फ्रेश जो है ग्राइंड किया है। 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ। 100 ग्राम इसमें योगर्ट चाहिएगा। 3 अदद ये सब्ज़ इलायचियाँ और 1 दालचीनी का टुकड़ा जाएगा। 3 अदद लौंग जाएंगे और 1 ये बड़ी इलायची जाएगी। अब इसमें ये कोकोनट है, इसको मैंने रोस्ट किया है, ड्राई रोस्ट किया है। आप ये मेरे पास डेसिनेटेड कोकोनट था, उसको मैंने रोस्ट किया है। तो आपके पास ये ना हो तो आप दूसरे कोकोनट को उसको ड्राई रोस्ट ऐसे करेंगे, थोड़ा गोल्डन करेंगे, तो फिर उसको चाहे आप ग्राइंड कर लें। ये है, मैं 4 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये मैंने ऑनियन जो है, फ्राई ऑनियन जो होता है, ये मेरे पास रेडीमेड फ्राई ऑनियन पड़ा होता है, तो उसको मैंने जो है ये ग्राइंड किया है। आप चाहें तो इसे चाप कर लें, आपके पास ये ना हो तो आप फ्राई ऑनियन लेके, यानी कि 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन लेंगे और उनको फ्राई करेंगे, तो फिर आप उसको चाहे चॉप करके डाल लें या उसको ग्राइंड करके, तो वो इधर डालेंगे हम। अब इसमें मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ 5 टेबल स्पून। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जी मैंने ये इसे मिक्स कर लिया। तो अब मैं इसमें 4 अदद ये जो है ये तीखी हैं ज़रा मिर्ची डाल रही हूँ। आप चाहे तो काट के डाल लें, चाहे ऐसे डाल लें। और अब मैं इसे कवर करके तो 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी। मैं इसे 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम हो तो दूसरे दिन आपने बनाना हो तो दूसरे दिन बना लें, यानी इसे ओवरनाइट रख लें, बहुत ही डिलीशियस बनेगा जी। अब 1 घंटा हो गया है तो अब मैं इसको, ये जो मैरिनेशन वाला गोश्त था, इसको हम इसमें बर्तन में डाल रहे हैं। चूल्हा ऑन कर दिया मैंने। अब हम इसे इधर 4 से 5 मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें जी। ये देखें, इसको 5 मिनट हो गए, इसका घी जो है सेपरेट होना शुरू हो गया। मैं इसमें 1 गिलास जो है पानी डाल रही हूँ, ये जिसमें मैंने गोश्त मैरिनेट किया था, मैं उस बर्तन में पानी डाल के जिसमें शामिल कर रही हूँ, ताकि अच्छे से इसमें मसाला जो है सारा शामिल हो जाए।
और हमारा मसाला जो है वो ज़ाया ना हो। अब हम इसे हाई फ्लेम पे ही इधर 1 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए, ताकि ये जो इसको उबाला आ जाए पानी को, ये 1 से 1.5 मिनट हो गया। तो ये देखें इसमें उबाला आ गया। तो अब हम जी जैसे उबाला आएगा तो हम इसको कवर करके फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। अब हम इसे कवर करके ये 35 मिनट तक, 30 से 35 मिनट में दम की आंच पे ये बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा, क्योंकि ये मैरिनेटेड गोश्त है। तो बाकी आप इसे टेंडर होने तक इसको गलाएं, इसको हम वक्फे वक्फे से 10 से 15 मिनट के बाद एक दो बार हिला लेंगे, चेक कर लेंगे, ताकि मसाला जो है नीचे ना लगे। इस होल को मैं लौंग से कवर कर दूंगी। दम की आंच पे बिल्कुल रखना है इसे। जी माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ये देखिए इसने घी भी बिल्कुल छोड़ दिया। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया, गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो इधर आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइस जो है चेक कर सकती हैं, नमक इसका। तो मैं अब इसे सर्व करती हूँ। जो है घर पे बना लिया है, आप भी इस वीडियो को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपका भी बहुत मज़े का बनेगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कैसा बना। ये आप किसी भी गोश्त में बना सकते हैं, मटन में, बीफ में, चिकन में, बहुत मज़े का लगता है और मेरे घर वालों को तो ये बहुत पसंद है। इसे चावलों के साथ, नान के साथ, हर चीज़ के साथ मज़ा आता है।